नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जीवन रेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीवन रेखा होती कहाँ है। आपके अंगूठे, ये आपका अंगूठा है और इस अंगूठे से लेकर के ये जो फर्स्ट फिंगर है, मतलब गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत तकरीबन यहाँ तक होता है। तो इनके बीच में जब भी इस प्रकार से कोई रेखा निकल के यहाँ तक आए, या हो सकता है कि इस प्रकार से निकल के नीचे तक जाए, ये होती है आपकी जीवन रेखा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जीवन रेखा क्या क्या बताती है। ये जीवन रेखा हमारे जीवन के बारे में विशेषकर बताती है। पूरे हस्त रेखा में सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा को ही माना गया है, क्योंकि ये जीवन रेखा हमारे पूरे जीवन के बारे में बताती है। पूरे इंसान का पूरा भविष्य, भूतकाल और प्रेजेंट, A to Z सारी इंफॉर्मेशन देती है। अगर हाथ में कोई और रेखा मौजूद हो या ना हो, जैसे लक लाइन हुआ, फेट लाइन, मनी लाइन, बिजनेस लाइन, सन लाइन, ये सब कुछ नहीं हुआ, इसके अलावा सिर्फ ये लाइफ लाइन ही अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग मीन्स बहुत अच्छे फ्लो में जाते हुए, मतलब गोलाई लिए हुए हो, और इसको कोई भी रेखा इस प्रकार से परेशान ना करे, जैसे स्ट्रेस लाइन, यहाँ से देखा गया है कि कई बार निकलता है, कई बार क्रॉस लग जाता है, या कई बार बीच में ही जीवन रेखा इस प्रकार से चल रहा है, टूट गया, फिर यहाँ से वापस शुरू हुआ, इस प्रकार का कोई योग ना हो, सीधे अच्छी गोलाई लिए हुए शुक्र पर्वत के नीचे तक आ जाए, तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन है। मतलब एक लाइफ लाइन का फ्लो ही सिर्फ अच्छा हो, तो देखा जाता है कि इंसान का जीवन बहुत अच्छा रहेगा, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, सब अपने लाइफ में अचीव कर पाएगा। और वहीं अगर कहीं स्ट्रेस लाइन मंगल की तरफ से इस प्रकार से आ रही हो, राहु की तरफ से इस प्रकार से काट रही हो, या शुक्र की तरफ से आ रही हो, तो इनका साफ साफ पता लग सकता है कि डिफरेंट एजेस में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, या उस एज में स्ट्रेस बहुत बड़ा रहने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी बहुत बड़ी रहेगी। तो यही लाइफ लाइन के विषय में बताना चाहूँगा। तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से एज भी मेजर बड़ी, मतलब बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जब भी किसी के लाइफ लाइन इस प्रकार से निकलते हुए पूरी लंबाई लिए हुए अंदर की ओर आए, खासकर बहुत अच्छा लंबाई लिए हुए आए, तो देखा गया है कि 100 उम्र उनकी होती है, मतलब 100 ईयर वो जीते हैं या उससे ज़्यादा जी सकते हैं, अगर इस प्रकार से पूरी लंबाई लिए हुए शुक्र पर्वत के बिल्कुल नीचे तक आ जाए। या कई बार देखा यह है, मतलब गया है कि ये बिल्कुल इस प्रकार से निकलते हुए ही यहाँ तक पहुँच जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 ईयर जिएगा, क्योंकि एज को लेकर के भी अलग अलग इंडिकेशन मौजूद होते हैं। कई बार ये बहुत नीचे से ही इस प्रकार से निकल जाता है, कई बार इन दोनों के साथ में निकलता है, कई बार देखा गया है कि गुरु पर्वत से ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट एजेस देखे जाते हैं, पर नॉर्मली ये अंगूठे के जो सामने का पोर्शन जब भी देखेगा आप, तो नॉर्मली ज़्यादातर के हाथ में ये जो एज यहाँ पे जो मेजर किया जाता है, अंगूठे के पास का पोर्शन ये जो होता है, ये तकरीबन 45 to 50 के बीच में एज होता है, उससे मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से जो लाइफ लाइन इस प्रकार से निकली है, लाइफ लाइन में से जब भी किसी के हाथ में इस प्रकार से सीधी रेखा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में निकली हो, परंतु सीधी रेखा इस प्रकार से निकली हो, इसका साफ साफ इंडिकेशन है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, या बहुत अच्छी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। क्योंकि लाइफ लाइन से ऊपर की ओर निकली हुई रेखा इस बात का प्रमाण है कि बहुत अच्छा कुछ लाइफ में होगा जो हमें उस स्थिति से बहुत ऊपर ले जाएगा। इसीलिए कई बार देखा गया है कि बहुतों का बहुत लेट निकलता है, लेकिन जब भी निकलता है, तकरीबन सभी के हाथ में देखा गया है जिनके हाथ में इस प्रकार का लक है, तो देखा गया है कि उस एज के बाद उनकी जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा ही स्टेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही सुधर जाती है। इसी प्रकार से लाइफ लाइन में से अगर नीचे की ओर इस प्रकार से रेखा जाए, इस प्रकार से नीचे की ओर रेखा मैं आपको और अच्छे से ड्रॉ करके यहाँ पे बताना चाहूँगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे लाइफ लाइन इस प्रकार से यहाँ से निकल रहा है माइंड लाइन के साथ में, और यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से छोटी छोटी जो है नीचे की ओर इस प्रकार से जाए, इनका मीनिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। देखा गया है कि जब भी, जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ लाइन से कोई रेखा ऊपर की ओर जा रही है, इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस होने वाला है, भाग्य उन्नति होगा। उसी प्रकार से नीचे की ओर रेखा जाए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अभी जिस सिचुएशन में है, इससे भी खतरनाक, इससे भी खराब स्थिति में आगे जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे डिप्रेशन आएगा, या कोई ना कोई ऐसा कष्ट आएगा कि इंसान डिप्रेशन में चल जाएगा। देखा गया है कि जब भी इस प्रकार से नीचे की ओर रेखा जब भी गई है, ऐसे लोग ज़्यादातर सुसाइड, मतलब आत्महत्या अटेम्प्ट कर लेते हैं।
देखिए माफ़ करिएगा, परंतु जो सही जानकारी है यही मैं चाह रहा हूँ देना, अगर कुछ ख़राब लगे तो माफ़ करिएगा। इसी प्रकार से यहाँ से अगर आपका जो भाग्य रेखा है इस प्रकार से निकलते हुए गुरु पर्वत तक पहुँच जाइए, आपका गुरु का पर्वत है, ये आपका शनि का पर्वत है, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। ये आपका गुरु पर्वत हुआ, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, और ये जो एरिया है ये आपका मरकरी है, मतलब बुध का पर्वत। तो अलग अलग इंडिकेशन क्या मौजूद होते हैं इसी के बारे में खासकर मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई रेखा लाइफ लाइन से निकल के सीधे गुरु पर्वत तक पहुँचे तो देखा गया है कि ये प्रोग्रेस लाइन होती है। देखा गया है कि शुरुआती जीवन में ज़्यादातर ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, परंतु जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है या किसी काम को लेकर के टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, बहुत अच्छा बहुत तगड़ा प्रोग्रेस मिलता है। ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। मेन ये है कि ऐसे लोग महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी जो थिंकिंग होती है या इनको चाहने की जो आदत होती है बहुत ज़्यादा ही होती है, जिसके कारण ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर जाते हैं। इसीलिए ये प्रोग्रेस लाइन कहलाती है, क्योंकि वो अपनी मनोकामनाओं और मनो जो भी उनके मनोकामना है इनको पाने के लिए ये किसी भी हद तक चल जाते हैं और उनको पाकर ही रहते हैं। अपनी सारी एम्बिशियस इनका नेचर होता है और सारी ख्वाहिशों को ऐसे लोग ज़्यादातर पूरा करते हैं। वहीं यहाँ से सीधे निकल के कहीं अगर शनि पर्वत पे आपकी रेखा पहुँच रही हो तो देखा गया है कि ऐसे लोग लाइफ में सेटिस्फाई होते हैं, इनके पास जितना भी जो भी कुछ हो इससे बहुत सेटिस्फाई होते हैं। और ये रेखा बता रही है कि सेटिस्फेक्शन ऐसे इंसान को भरपूर मिलेगा और लाइफ में बहुत कुछ ऐसे भी लोग अचीव करते हैं, लक बहुत अच्छा होता है। मनी लाइन के तौर पे भी इसे देखा जाता है, जो कि बता रहा है कि बहुत अच्छा मनी भी रहेगा लाइफ में। इस प्रकार से अगर आपके हाथ में रेखा निकल के सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है हमारा शासन के विषय में बताता है कि हम शासन पर राज्य कर पाएंगे नहीं, राजा का योग बताता है, बहुत कुछ ऐसे ही वैभव का योग बताता है, राजयोग बताता है, ये खासकर हमारे फेम पॉपुलैरिटी के विषय में बहुत कुछ बताता है। तो अगर यहाँ से रेखा निकल के सीधे सूर्य पर्वत तक पहुँचे तो इसका साफ साफ इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, साथ ही बहुत ऊंचा पद मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, साथ ही साथ फेम पॉपुलैरिटी भी मिलती है। वहीं कई बार देखा गया है कि बहुत पतली रेखा इस प्रकार से मरकरी तक पहुँच जाता है, मतलब बुध तक पहुँच जाता है, ये भी बहुत अच्छा भाग्य है। ऐसे लोग साइंस में और खासकर बिजनेस में बहुत अच्छा इनका स्कोप होता है, बहुत अच्छा इन्हें सक्सेस मिलता है, व्यवसाय के द्वारा ऐसे लोग बहुत अच्छा धनार्जन करते हैं। और खासकर मनी ट्रायंगल भी अगर किसी के हाथ में बनता है तो उसमें बिजनेस लाइन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ये साफ साफ इंडिकेशन ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे लोग धन बहुत कमाएंगे भी और इनके पास स्टोरेज भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा और भी इंडिकेशन मौजूद है कि अगर आपका चंद्र से कोई रेखा आकर के इस प्रकार से, ये आपका चंद्र का एरिया होता है, और चंद्र के पर्वत से कोई रेखा आकर के इस प्रकार से लाइफ लाइन से जुड़ जाए तो विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बनता है और विदेश में सेटलमेंट होने के भी चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं, खासकर विदेशी भूमि से बहुत अच्छे लाभ के योग बनते हैं। और अगर यहाँ से कोई रेखा निकल के इस प्रकार से शुक्र पर जाए या फिर कुछ गार्जियन एंजल लाइन बनाए तो ऐसे लोगों को दूसरों का सपोर्ट के लिए या परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, मतलब फैमिली ऐसे लोगों के लिए बहुत लक्की होती है। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। वहीं अब मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर बार पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना सही नहीं है, लोगों को सच से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं अब अगर लाइफ लाइन पर कहीं भी इस प्रकार से क्रॉस बन गया तो उस एज में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। उस उम्र में ये तक हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलत हमसे हो जाए या फिर हम कुछ गलत कर बैठें। साथ ही अगर लाइफ लाइन इस प्रकार से अगर टूट टूट के चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इस ऐसी लाइफ लाइन को माना जाता है। पग पग हर कदम पे ऐसे लोगों को मतलब खतरा होने का डर होता है। वहीं लाइफ लाइन इस प्रकार से बहुत कम स्पेस शुक्र को दे रहा है, बहुत कम इस प्रकार से चल रहा है, कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है। देख सकते हैं कि शुक्र को कितना कम स्पेस यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। लग्जरीज लाइफ मतलब जो लग्जरीज होती है, मतलब सुख सुविधा के जितने साधन होते हैं उसमें कमी आएगी, शारीरिक गठन भी अच्छा नहीं होगा। और इस प्रकार से लाइफ लाइन आपकी चल रही है और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लाइन मौजूद है यहाँ पे, तो उस एज में खासकर उस एज में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होगा। कई बार देखा गया है कि लाइफ लाइन बिखर भी जाती है, मतलब इस प्रकार से लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा है,
परंतु शुरुआत में इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से चलती है लाइफलाइन यहाँ पे, इस प्रकार से बिखरी हुई लाइफलाइन देखा गया है कि बहुत बार चलती है यहाँ पे, वो उसकी रेखा ही पूरी तरीके से बिखर जाती है एकदम यहाँ पे। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि उस एज में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहने वाला है जब भी ये रेखा इस प्रकार से बिखर जाए। और भी यहाँ पे अलग अलग इंडिकेशन मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से लाइफ लाइन से अगर कोई रेखा, ये आपका केतु का एरिया होता है, और इस केतु के एरिया में इस प्रकार से कहीं लाइफ लाइन विभाजित हो, तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा योग बनता है, और कुल मिला के लाइफ में बहुत अच्छा यात्रा का योग बनता है, और यात्रा से बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। वही यहाँ पर देखा गया है कई बार कि डबल लाइफ लाइन मौजूद होती है, तो ये बेसिकली गार्जियन एंजल लाइन होती है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो तकरीबन जितनी जानकारी थी सब मैंने बताने की कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।